सर दिवाली नज़दीक है, दिवाली आने वाली है, कैसा रिस्पांस इस बार ग्राहकों का आपको मिला है? नहीं, हम लोग को जैसा चाहिए था वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ये बरसात जो पानी हुआ भी, पानी से बहुत ही नुकसान हुआ। और इसमें जो चीज़ हम यहाँ पे पहले 4 दिन पहले बैठते थे, हमारे को कम से कम 8 दिन हो गए, फिर भी हमारे जैसा रिस्पॉन्स होना वो चीज़ नहीं है हमारे पास। अच्छा, अपने पास में जो पटाखे आप लेकर आते हैं, कैसे क्वालिटी के हैं ये? हमारे पास टोटल कॉक के स्टैंडर्ड के हम शुरू कैसे से हम फटाखे मंगाते हैं। और बाकी के हमारे पास में एक नगर जिला है, नगर जिले में से हम थोड़ा माल मंगाते हैं। पर ये बारी को ऐसा हो गया कि हमारे कॉक का जो माल है हमारे को डायरेक्ट प्लस रेट बढ़ने से 30% हमारे को रेट बढ़ के आया है हमारे को। तो हमारे को जो ग्रैक करना है वो कैसा करना है, वो 30% को और प्लस, और उसके बाद में दुकान, उसके बाद में बाकी खर्चा, तो वो एकदम पूरी तरह से ये नहीं हो रहा है। पर फिर भी हम ग्रैक निकाल रहे हैं उसको। तो मतलब कस्टमर उतना पैसा देता है, आप दे पा रहा है कि रेट बढ़ गए होंगे फटाफट? कस्टमर को जो रेट अपन लगा रहे हैं, अपन 10% प्लस करके, अपने को आता है 60% से आता है, अपन 70% लगाते हैं, सिर्फ 10% बढ़ा रहे हैं। खाली 10% दुकान की तरफ से बढ़ा, पर कस्टमर भी उसके अंदर कम से कम 7-8% डिस्काउंट करके लेके जा रहा है। पर इसमें ऐसा हो गया क्या, जो बरसात आ रही है, जो 4-5 दिन से बरसात चालू है, तो उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ हमारा। तो उसमें हमारे को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे को, वो चीज़ नहीं मिल रहा है हमारे को। अच्छा, अभी आगे क्या उम्मीद है? से कल है दिवाली शायद, तो ये 2 दिन में आप कवर कर पाएंगे? 2 दिन में तो समझो माता की कृपा रही और महाकाल का आशीर्वाद रहा तो वो भी हो जाएगा। पर हम लोग को आशा इतनी है, हमने जितना पैसा लगाया और जितना मेहनत कर रहे हैं हम, हमारे को 10% हमारे को प्लस हुआ तो ठीक है, हमारा खाली माल कटा तो बहुत अच्छी बात है। ये दुकानों का जो चार्जेस तो नहीं पूछूंगा, टाइम पीरियड कितना है, कब तक के? दिवाली के बाद में रख सकते? दिवाली के बाद में आगे आपको हम लोग को 2 दिन आगे प्लस मिलता है हमारे को। पर 2 दिन के अंदर जो प्लस जो मिलता है हमारे को दिवाली के बाद में, तो उस टाइप ग्राहक हमारे पास, यानी कि गिनती के एक जो चीज़ करते हैं हम, 50 ग्राहक हमारा डिमांड है हमारे को आना है, तो उसमें 3-4-5 उतने आ रहा है। अच्छा, एक बार पॉल्यूशन को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है तो वो हो रहा है कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, वो फ़र्क तो पड़ रहा है। और हम लोग ने 70% जो फटाके मंगाए हमने वो विदाउट पॉल्यूशन किया हमने। विदाउट पॉल्यूशन? हाँ, यानी पॉल्यूशन को हम ध्यान में रख के हम हमारे तरफ से हमारे को जो पब्लिक को जो डिमांड है वो उनके डिमांड के हिसाब से हमने पूरा माल मंगाया है। हाँ हाँ सही है, पॉल्यूशन हाँ फ्री फटाके। और अपने पास में कौन कौन से फटाके, जैसा अगर कस्टमर आपके पास सारन वाले? हमारे पास सब में बड़ा हम ब्रांड जो वापरते हैं सब में, फर्स्ट यानी कि कॉक, उसके बाद में सेकंड में हम लेते अपना इसका टेंडर का लेते हैं हम सेकंड में,
और तीसरे में लेते हैं हम अनिल का, अनिल का ब्रांड एकदम एक नंबर है, उसको कोई दिक्कत नहीं आता है। अच्छा, लोगों के दिल में फिर धंधक रहती है यार, अपन फटाके लेके जा रहे हैं, लेकिन अपन तो फटाके कमजोर निकल जाते खुद के फटाके। हाँ, कुछ तो नहीं है, नहीं नहीं हमारे पास कम से कम, हमारा देखो ये 15-20 साल पुराना धंधा ही है, और हमारे जो कस्टमर है हमारे, हम खाली उनको हम नंबर हम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या ये जिसके कांटेक्ट नहीं मिला हम उससे कांटेक्ट करके फ़ोन पे बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर हमारे जो कांटेक्ट नंबर है हमारे टोटल हमारे पास मिल रहा है हमारे को रिस्पॉन्ड। कस्टमर को क्या मैसेज देंगे? कस्टमर को ये मैसेज दिए हमने, क्योंकि जो जो पानी से जो नुकसान हो रहा है और जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन फ्री हमारे पास फटाके हमने 70% भरे वाला है, 70-80% है, और उसके बाद में जो कस्टमर जो हमारे जो पुराने कस्टमर है, जो कस्टमर हमारे 10,000 के थे, वो कस्टमर हमारे पास 3,000, 4,000, 5,000 के फटाके ले जाते, पर फिर भी हमारे को संतुष्ट है उसमें। कस्टमर आपके दुकान तक कैसे पहुँचे, कितने नंबर आपका है, आपका एड्रेस, आपका नाम बता दीजिए, कैसा कस्टमर? मेरा नाम बालाजी अरुण देवताल है, और मेरे बड़े भाई विनोद घनश्याम देवताल, हम क्या शुभकामनाएं। और दिवाली की हम लोग जय श्री महाकाल स्टॉल की तरफ से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभेच्छा, दिवाली की शुभेच्छा।